एएनपी रहनुमा एमल वली खान की धमकी पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। उमर अयूब ने इमरान खान पर हमले का खतरा जाहिर कर दिया, कहा कि हमले की मंसूबाबंदी वजीर आजम हाउस में की जा रही है। एमल वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को धमकी दी, फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। जो मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा, इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कोट अनकोट ठिकाने लगाने की बात की, उन्होंने उनको जान से खत्म करने की बात की। जो मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज को हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने एप्लीकेशंस दी हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जान का खतरा है, उनको वो सिक्योरिटी मुहैया की जाए। ये लोग इस लेवल तक गिर गए हैं कि अभी ये वजीर आजम हाउस में बैठ के ये कंस्पिरसीज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाया जाए। हमें इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा। हम लोग अपनी जान देने के लिए खड़े हैं, इमरान खान साहब के दिफा के लिए। एक चूं चूं का मुरब्बा और ये सर्कस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इस वक्त बैठा है, जिसके वजीर आजम इम्पोर्टेड वजीर आजम सिर्फ CDA के हदूद तक इस्लामाबाद के मेयर से भी कम इलाके की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।